एक बार फिर से आए सलमान खान सुर्खियों में, आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह। वेलकम टू फीफा फूज, दिस इज गणेश कांदो दिस साइड। सलमान खान जिनको किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा शायद ही कोई हिंदुस्तान में होगा या पूरे जहान में होगा जो सलमान खान को ना जानता हो। सलमान खान जिनको लोग पूरे बॉलीवुड में और पूरा हिंदुस्तान जिनको भाईजान के नाम से जानता है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में आए, और इस बार की वजह है उनका शो जो वो 13 साल से होस्ट करते आ रहे हैं और जिसके वजह से बिग बॉस बना, जो उस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि सलमान खान है। जी हाँ, सलमान खान का ये 13वां साल है जो वो होस्ट कर रहे हैं बिग बॉस 16 को। सलमान खान ने जिस लेवल पर बिग बॉस को पहुंचाया है, चाहे कंटेस्टेंट्स को समझाना हो या अपना एग्रेशन दिखाना हो या फिर बिग बॉस का शो संभालना हो, सलमान खान ने ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से और एकदम बखूबी निभाया है। बात सलमान खान की करें तो अभी 2023 में उनकी एक फिल्म भी आने वाली है जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। उसमें हमको देखने को मिलने वाली है बिग बॉस 13 की द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट शहनाज गिल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही शहनाज गिल जिनका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हमको देखने को मिला था। शहनाज गिल हाल ही में बिग बॉस के हाउस में भी एंट्री की थी उन्होंने, जहाँ पर जब शहनाज गिल की एग्जिट हुई तो सलमान खान ने ये कहते हुए उनको एग्जिट करवाया था कि शहनाज किसी का भाई किसी की जान की शूट पर जाना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सलमान खान अब अपनी मूवी का भी प्रमोशन हो सकता है बिग बॉस से ही कर दें, और बिग बॉस जो है बन चुका है थर्ड। बिग बॉस जो है वो आता है उस लिस्ट में द मोस्ट लाइक्ड शो की लिस्ट में, अब बिग बॉस आ रहा है थर्ड नंबर पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिग बॉस जो है अब मोस्ट लाइक्ड शो बन चुका है और थर्ड नंबर पर आ रहा है ऑर्मिक्स की लिस्ट के हिसाब से। इस साल के बिग बॉस में, यूं तो कहें बात बिग बॉस की करें तो हर सीजन में अलग अलग लोग हमको देखने के लिए मिलते हैं, फिर चाहे बात सिद्धार्थ शुक्ला की करें, गौतम गुलाटी की करें, प्रिंस नरूला की करें, गौहर खान की करें, या फिर इस सीजन जैसे हम देख रहे हैं बिग बॉस 16 में अलग अलग स्टार्स और एक म्यूजिक पर्सनालिटी जैसे MC स्टैन, शालीन भनोट, अंकित गुप्ता, प्रियंका चहार चौधरी, टीना दत्ता, निमृत कौर, अब्दू और न जाने कितने स्टार्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। बिग बॉस जो है इस समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि शो के होस्ट दी सलमान खान है, जो वीकेंड के वार पर आते तो सिर्फ 2 ही दिन हैं लेकिन पूरे TV इंडस्ट्री पर तहलका मचा कर चले जाते हैं। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपको सलमान खान एज अ होस्ट बिग बॉस में पसंद आ रहे हैं, और क्या आप बिग बॉस देखना पसंद कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट, किसको देखना चाहते हैं आप जीतते हुए, और आपकी पसंद नापसंद दोनों हमको बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इसी तरह की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बिग बॉस की अलग अलग गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। थैंक यू।